तो राजेश जी, मोदी जी का भी नंबर वन एनिमी कांग्रेस है और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को हटाकर कांग्रेस के स्पेस को अपने पास लाना चाहते हैं, इसलिए नंबर वन पे उन्होंने दोनों को रखा है, यानी कांग्रेस भी है बीजेपी भी है। क्या ये दो एनिमी एक तराजू पर एक जैसे हो सकते हैं राजनीति में एक साथ? ना, हो भी सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दो एनिमी बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन इस बात पर हम और गौर करें इससे पहले हमें अरविंद केजरीवाल का जो मेंटल मेकअप है उसको समझना पड़ेगा। मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी कोई एक एक मोनोलिथ नहीं है। आम आदमी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, लेफ्ट राइट सेंटर समाजवादी तमाम तरह के लोग, एनजीओ वाले, ये सब लोग हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मेंटल मेकअप को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान हैं जो विचारधारा विहीन है, जिनकी कोई विचारधारा नहीं है। वो हिंदुत्व के पक्ष में भी नहीं है, हिंदुत्व के खिलाफ भी नहीं है, वो सेक्युलरिज्म के पक्ष में भी नहीं है, सेक्युलरिज्म के खिलाफ भी नहीं है। मैं अपनी बात को थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं कि अगर फर्ज कीजिए अरविंद केजरीवाल के हाथ में भारत की सत्ता आ जाती है, तो उनका विजन क्या है, उनका जो लॉन्ग टर्म विजन है हिंदुस्तान को किस रूप में देखते हैं, क्या वो आप उनसे उम्मीद करते हैं कि जो नेहरूवियन सेक्युलरिज्म है, जिसको एल के आडवाणी ने, जिसमें शुरुआत में पलीता लगा दिया और आज उसको एक डर्टी वर्ड, बहुत ही एक तरह से गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि अरे सेक्युलर हैं, क्या उस तरह का नेहरूवियन सेक्युलरिज्म यहाँ रीस्टैब्लिश करेंगे वो, मुझे नहीं लगता है। लेकिन आप क्या अगर उनसे या कोई भी उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो उसी तरह का हिंदुत्व यहाँ पे लेके आएंगे जैसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है कि उस तरह का हिंदू राष्ट्र बने, क्या वो अरविंद केजरीवाल लाएंगे? वो भी नहीं लाएंगे। तो ये इनका मेंटल मेकअप समझना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल एक प्रैग्मेटिस्ट पॉलिटिशियन तो है ही है, अपॉर्चुनिस्ट भी है। अपॉर्चुनिज्म में थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन है, होता है, लेकिन जिस तरह से राजनीति में वो सर्वाइव कर रहे हैं, अपॉर्चुनिज्म और प्रैग्मेटिज्म दोनों को साथ मिला के बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने भीतरी और बाहरी दुश्मनों को किनारे लगा रखा है। अभी तक जहां वो हारते हैं धूल झाड़ के उठ खड़े होते हैं और चले जाते हैं, उन पर कुछ स्टिक नहीं करता है, मुस्कुराते रहते हैं और लोगों को यह बात समझ में आती है। मध्यम वर्ग का एक तबका जो उकता चुका है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान से, वो अरविंद केजरीवाल के मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। साथ ही वो अरविंद केजरीवाल के हनुमान चालीसा पढ़ने से भी या हनुमान चालीसा रिसाइटेशन से भी वो अट्रैक्ट होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस त्रिकोण में भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इस त्रिकोण में कौन किसका दुश्मन और कौन किसका पहला दुश्मन है, इसको अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो मेरी समझ में बात यह आती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी दुविधा यह है कि अरविंद केजरीवाल से निपटा कैसे, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल से कैसे निपटा जाए, क्योंकि पूरा ट्रैप बिछा दिया था पिछले इलेक्शन में, दिल्ली के इलेक्शन में, शाहीन बाग को लेकर के, कि जहां एक बार एक बयान दें, हल्का सा हिंट भी करें और पूरा संघ परिवार, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको हिंदू विरोधी मुसलमान के खैरख्वाह के तौर पर घोषित कर दें। अरविंद केजरीवाल उस ट्रैप में नहीं पड़े, बिल्कुल वो नहीं पड़े। उन्होंने ये कहा कि हम तो जीतने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा ये खत्म कर रहा हूं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आता कि अरविंद केजरीवाल से कैसे निपटे। भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरह समझ में आता है या नरेंद्र मोदी, अमित शाह की, कि कांग्रेस से कैसे निपटे, लेकिन कांग्रेस को ये समझ में नहीं आता किसी से कैसे निपटे, कि कांग्रेस को समझ में आ ही नहीं रहा है अरविंद केजरीवाल भी या भारतीय जनता पार्टी भी, वो तो बेब इन द वुड वाला जो एक अंग्रेजी में जुमला है उस तरह की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त अगर आ रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी से। मैं नहीं मानता कि कांग्रेस उनके लिए चुनौती, कांग्रेस उनके लिए एक तरह से चैलेंज और वो चुक गई पार्टी है। जब शीला दीक्षित 15 साल तक इस दिल्ली में राज कर रही थी, तब उन्होंने घर में घुस के मारूंगा वाली पॉलिटिक्स खेली और शीला दीक्षित के खिलाफ जाकर के खुद चुनाव लड़ा और अपने नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी लड़ा, तो घर में घुस के मारने वाली पॉलिटिक्स उस वक्त कांग्रेस सबसे आगे थी। अब भारतीय जनता पार्टी, गुजरात का इलेक्शन देखिए, गुजरात का इलेक्शन सामने है, तो जो भी इस वक्त कर रहे हैं वो गुजरात के इलेक्शन को ध्यान में, हिमाचल के इलेक्शन को ध्यान में रख के कर रहे हैं। म्यूनिसिपैलिटी के तमाम जो भी नतीजे पिछली बार आए थे उसमें मतलब अनएक्सपेक्टेडली आम आदमी पार्टी को 18 18.5 या 19% वोट मिले थे, सूरत में तो शायद 28-29% वोट मिले थे। तो अरविंद केजरीवाल एक ऐसी, जिसको मैं थोड़ा लिबर्टी चाहता हूँ,
ऐसे शातिर पॉलिटिकल खिलाड़ी हैं, शातिर को नेगेटिव कनेक्टेशन नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनको मालूम है कि जो वो कर रहे हैं उसका निहितार्थ क्या होगा, उसका असर क्या होगा।